आई होप सो आप लोग सब खुश होंगे, जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी, रमजान अच्छा गुजर रहा होगा इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है बेसिकली इट इज अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक्स, गुड्स, मर्चेंडाइज। तो आज हम जो आइटम्स इसमें डिस्कस करेंगे वो आइटम्स क्या क्या है जरा गौर से देखते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, IS2, कॉस्ट और NRV, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट इन इन्वेंट्री, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डबल एंट्री फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एड बैक मेथड और कुछ पॉइंट्स रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर सम पॉइंट्स। जब इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब यह बात है हम उस माल की बात कर रहे हैं जो कि हमने खरीदा है बेचने के लिए, और जो माल बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे हम कहते हैं स्टॉक्स, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, गुड्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्वेंट्री का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्रॉफिट के साथ। आप चेक करें किसी भी क्वेश्चन को उठाएं, वहां क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो नंबर है ये आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, मिसाल के तौर पर फ्रैंकफुर्ट चैप्टर नंबर 9 आप उठाइए, वहां पर चैप्टर नंबर 9 में जो इन्वेंट्री की फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, आप उस इन्वेंट्री की क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर को चेंज कर दें। इंक्रीज इन इन्वेंट्री मीन्स इंक्रीज इन प्रॉफिट हो जाता है, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री मीन्स डिक्रीज इन प्रॉफिट हो जाता है। फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री रिवर्स। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। IS2 यह कहता है कि जब कभी आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट, इन दोनों को हम देखेंगे। अब NRV और कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लें। मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कीमत है, उसकी वर्थ है 4000। दिस 4000 इज द कॉस्ट। पता ही चला ये 4000 का जो स्टॉक है ये खराब हो गया। अब हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद अहमद बावानी, उन्होंने कुछ लोगों ने कहा इसको उठा के फेंक दें। भाई मोहम्मद इज अ वेरी गुड अकाउंट टीचर। उन्होंने कहा नहीं सर मुनव्वर ये सही नहीं कह रहे हैं, हम इसको इस पर काम करेंगे और इसको बनाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड मोहम्मद, बताइए क्या करेंगे हम। तो इन्होंने कहा कि सर हम मालूम ये करते हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है मार्केट में। तो हमें ये पता चला कि अब इस माल को जो कि खराब हो चुका है जिसकी कॉस्ट है 4000, और अगर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे 600 रुपए खर्च होंगे, और फिर ये बिक जाएगा कितने में, ये बिक जाएगा 4200 में। तो इसका मतलब हुआ कि हमें एक फार्मूला पता चल गया, और वो फार्मूला हमने इस तरह से समझ लिया कि न्यू सेलिंग प्राइस या रिवाइज सेलिंग प्राइस, असल में तो ये स्टॉक 7000 में बिकता था फॉर एग्जांपल, लेकिन अब खराब होने के बाद जब हमने इस पर रिपेयर का काम कर लिया तो अब ये 4200 का बिक जाएगा। तो 4200 इज रिवाइज सेलिंग प्राइस, और इसके ऊपर रिपेयर कॉस्ट कितनी लगी थी 600। तो 4200 में से 600 माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, एंड दैट इज 3600। 3600 इज NRV ऑफ दैट स्टॉक। अब NRV को कंपेयर करेंगे आप कॉस्ट के साथ, कॉस्ट कितनी थी 4000, NRV कितना निकला, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी निकली, वो निकली हमारे पास 3600। तो कौन सी कम है, 3600 कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने स्टॉक को 3600 पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और इसका जो एक्सपेंस हुआ 400 रुपए का, जो लॉस हुआ हमें 4000 और 3600 के दरमियान 400 रुपए का लॉस हुआ, डिटोरिएट कर गई हमारी इन्वेंट्री, तो ये 400 का लॉस हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। और हम 600 रुपए का जो एक्सपेंस बनाया हुआ है हमने, वो एक्सपेंस भी हम रिकॉर्ड कर देंगे कहां पर, इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस। हाँ अगर हमने कोई प्रोविजन क्रिएट करके रखे हैं तो उनका ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा जिस तरह इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ट्रीटमेंट होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यह कहता है कि यू मस्ट शो द स्टॉक एट द लोअर वैल्यू। जब इन्वेंट्री की बात करते हैं हम तो हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में कितने किस्म की इन्वेंट्रीज हम जनरली देखते हैं। नंबर 1 फिनिश गुड्स, नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस, एंड नंबर 3 रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल खाम माल उर्दू में कहते हैं उसको। मिसाल के तौर पर अगर मैं बना रहा हूं चेयर्स, तो वुड जो लेकर आएंगे दैट वुड इज कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। पता चला कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जिस पर रंग होना रह गया, तो वो तो मैं बेच नहीं सकता, और ना वो रॉ मटेरियल्स हैं, इसका मतलब वो कहलाएंगी वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस।
और कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार पड़ी हैं हमारे पास, लेकिन हमने अभी तक बेची नहीं, किसी वजह से नहीं बिक सकी। सो दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। अब अगला पॉइंट इसमें यह था कि हमें यह पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स कौन से हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टू IS2 हम जो वैल्यूएशन के मेथड इस्तेमाल करते हैं वो दो है। नंबर वन FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मेथड। FIFO का मतलब क्या होता है, जो पहले आया वो पहले गया, तो जो रह गया वो आखिर का माल रह गया। इसका मतलब वो आखिर वाला जो माल जिस कॉस्ट पर आया उस कॉस्ट पर उसकी वैल्यूएशन होगी और उस कॉस्ट पर हम बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट में लिया हुआ और एंड में लिया हुआ सबको जमा कर देते हैं और जमा करके रेट निकाल देते हैं, उस रेट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, जितने यूनिट बच जाएंगे उन यूनिट को हम एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए क्लोजिंग स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो, चाहे WIP की हो, वर्किंग प्रोसेस की, चाहे फिनिश गुड्स की हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम जब लोअर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री को तो हमारा प्रॉफिट का इंपैक्ट ये नहीं होगा कि प्रॉफिट फजूल में बगैर किसी वजह के हम बढ़ाएंगे नहीं। इन्वेंट्री को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो रिलेटेड कॉस्ट होती है अकॉर्डिंग टू IS1 वो कॉस्ट हम जमा कर देते हैं इन्वेंट्री को लाने में। मिसाल के तौर पर अगर इफ आई परचेज इन्वेंट्री फ्रॉम लाहौर तो लाहौर से लेकर यहां तक लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन, कार्टेज इन, कैरेज इन वर्क, फ्रेट इन, इंपोर्ट ड्यूटी अगर बाहर से मंगा रहा हूं, ये सारी की सारी कॉस्ट जो है ये इन्वेंट्री में जमा हो जाएगी और फिर मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट पता चल